भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या क्वेश्चन है? द वन विच डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। तो चार प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने गिवन है और तुम्हें बताना है इनमें से डाइल्यूशन के साथ कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी। तो कंडक्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, समझना क्या कंसेप्ट लगेगा कि कंडक्टेंस क्या होता है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब ये बात किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकती है? तो कहोगे कि कितने आदमी इस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, और दूसरा कि वो कितनी तेज भाग रहे हैं। तो पहला फैक्टर क्या हो गया कंडक्टेंस जिस पर डिपेंड करेगा, वो हो गया मेरा नंबर ऑफ आयंस, भाई आयंस ही तो चार्ज को कैरी कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा फैक्टर हो गया उनकी मोबिलिटी, समझना भाई। तो कोई फैक्टर अगर नंबर ऑफ आयंस को इंक्रीज करे, मोबिलिटी को इंक्रीज करे, तो कंडक्टेंस मेरा इंक्रीज हो जाएगा। और कोई फैक्टर दोनों को डिक्रीज कर दे तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। और कोई फैक्टर ऐसा हो जो एक दूसरे के अपोजिंग हो, मतलब नंबर ऑफ आयंस को इंक्रीज करे, मोबिलिटी को डिक्रीज करे, तो वहां पे मेरा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा नंबर ऑफ आयंस की, इस पे जो असर पड़ा है वही कंडक्टेंस पे असर पड़ेगा भाई, आगे समझना ठीक है। तो देखो अगर मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करूं, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है मेरा कि एक सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, ध्यान समझना, एक सेंटीमीटर क्यूब या फिर एक ml वॉल्यूम में जितने भी आयंस हैं वो जितना कंडक्टेंस प्रोवाइड करते हैं उसे बोला जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक वर्ड किसके लिए यूज करा है इसने, वॉल्यूम के लिए, एक ml या एक सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे समझना भाई कि एक सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयंस हैं वो जितना कंडक्टेंस प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। मुझे देखना है कि डाइल्यूशन से ये कैसे चेंज होगा। ध्यान से देखना भाई कि मैंने एक क्यूब बनाया जिसकी लेंथ क्या है, एक सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या होगी, एक सेंटीमीटर क्यूब, समझना ठीक है, वॉल्यूम क्या होगी, एक सेंटीमीटर क्यूब। इसमें जितने भी आयंस हैं, मान लो इसमें आठ आयन है, ठीक है, इसमें आठ आयन प्रेजेंट है, वो जितना भी कंडक्टेंस प्रोवाइड करते हैं उसे कहा जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और मैं देखता हूं कि डाइल्यूशन से क्या असर पड़ेगा। अब मैंने इसे डाइल्यूट कर दिया, बाहर से इसमें मैंने पानी ला के डाल दिया, तो क्या होगा कि वॉल्यूम इसकी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो देखो ये 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई, वॉल्यूम हो गई 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है कि बताओ कि इस कंडीशन में अब इसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला जा सकता है? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफाई करता है 1 सेंटीमीटर क्यूब को, और यहां डाइल्यूशन के साथ वॉल्यूम इंक्रीज हुई, अब ये 2 सेंटीमीटर क्यूब हो चुकी है, मतलब ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं है। तो मेरे को अगर दोबारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस मेजर करना है तो इसमें से मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब बाहर निकालूंगा और अब देखूंगा कि कितना कंडक्टेंस है, और इस कंडक्टेंस को बोलूंगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो 2 स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो चुके हैं, एक यहां पे C1 और एक यहां पे C2, ठीक है। अब इन दोनों में कंपैरिजन है कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, समझना भाई कि यहां पे मेरे 8 आयन कंडक्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे, यहां पे मेरे कितने आयन होंगे, बाहर से मैंने पानी तो डाला, नंबर ऑफ आयन्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहां पे भी उतने ही आयन है बट ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं है। अब इसमें से मैंने आधी वॉल्यूम बाहर निकाली, तो नंबर ऑफ आयन्स क्या होंगे, इसमें 8 आयन थे तो यहां पे नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीज हो जाएंगे। और नंबर ऑफ आयन्स अगर डिक्रीज हुए, मान लो 4 आयन, मैं एग्जैक्ट लेके चल रहा हूं कि मान लो 4 आयन इसमें है, यहाँ पे 8 आयन कंडक्टेंस प्रोवाइड करते हैं, वहां पे 4 आयन कंडक्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब तुम्हारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं एक और एक्सप्लेन करूं मोलर कंडक्टेंस, तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस प्रोवाइड बाय ऑल द आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से कितने आयंस आ रहे हैं, वो जितना कंडक्टेंस प्रोवाइड करेंगे दैट इज मोलर कंडक्टेंस, समझना भाई, है ना। तो देखो कि यहां पे मेरी कोई कंटेनर है, इसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल। तो मोलर कंडक्टेंस ने किसको स्पेसिफाई करा, इस प्रॉपर्टी को कि कितने आयन है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने आयन आएंगे। अब मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया, मैंने इसे डाइल्यूट कर दिया, वॉल्यूम थोड़ी सी मैंने इंक्रीज कर दी, तो क्या नंबर ऑफ आयंस चेंज हो जाएंगे? अब इसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल ही है, मैंने बाहर से पानी तो डाला है, तो इसमें भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, इसमें भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या नंबर ऑफ आयंस चेंज हुए? तो कहोगे नहीं, 1 मोलर कंडक्टेंस मेरा ये है C1, और 1 मोलर कंडक्टेंस मेरा ये है, यहां पे भी 1 मोल, यहां पे भी 1 मोल, नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं हुए। तो सेकेंड फैक्टर देखो क्या फैक्टर है, मोबिलिटी। अब यहां पे जब वॉल्यूम कम है तो तुम्हारे आयंस क्या है, पास पास है,
एग्जाम्पल की एनए सीएल के लिए कंडक्टेंस देख रहे हैं, तो एनए और सीएल पास पास है, तो सीएल को भागने से एनए प्लस रोक रहा होगा और एनए प्लस को भागने से सीएल माइनस रोक रहा होगा, समझना। और अगर मैं डाइल्यूट कर दूं तो ये दूर दूर चले जाएंगे और यहाँ पे थोड़ी सी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ आयन सेम रहे, मोबिलिटी इंक्रीज हो गई, मतलब तुम्हारा कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और यहाँ पे क्या पूछा था, डिक्रीज, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इन दोनों को तुम खुद से ट्राई करोगे। अब इसमें इसी से रिलेटेड, कंडक्टेंस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन 2019 में ही पूछा है, मैंने लिखा नहीं है। वो क्या है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की तुम्हारी यूनिट क्या होगी, क्या क्वेश्चन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की तुम्हारी यूनिट क्या होगी, तो ये आंसर तुम्हें बताना है, कमेंट में मुझे आंसर बता दूंगा। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स रेडॉक्स रिएक्शन इज दिस। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, तुम्हारी नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे इसमें, तो नस्ट इक्वेशन मेरी क्या होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो कहेंगे E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 N log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये मेरी नस्ट इक्वेशन है। अगर मैं इसमें स्पेसिफाई कर दूं, स्पेसिफाई क्या कर दूं, वीडियो चल रही है ना, स्पेसिफाई अगर मैं क्या कर दूं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या चेंज होगा, तुम्हारा E जीरो हो जाएगा या E नॉट जीरो हो जाएगा, ये तुम्हें बताना है। तो देखो भाई इक्विलिब्रियम पे किसपे असर पड़ेगा, तुम्हारी E वैल्यू पे। E नॉट तो भाई मैंने जब नापी है ना, जब 1 मोलर कंसेंट्रेशन थी तो वहां पे तुम्हारे ये थोड़ी था, वहां पे इक्विलिब्रियम थोड़ी था, तो यहाँ पे क्या E जीरो हो जाएगा। अब मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इस इक्वेशन को लिखूं तो ये जीरो हो गया, E नॉट ऐसे ही है 0.0591, इसमें एन क्या थे 3, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। तो तुम्हारे सामने रिलेशन है, अब बस तुम्हें वैल्यू पुट करनी है। तो देखो क्या लिख सकता हूं, E नॉट इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइड बाय 3 लॉग केसी। E नॉट की वैल्यू मुझे गिवन है 0.59, इससे ये कट जाएगा, और कितने टाइम्स कटेगा, इसकी किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, तो कहोगे कि किससे 10 से मल्टीप्लाई। अब देखो तुम्हें क्या बताना था, केसी, तो केसी क्या आ गया, केसी क्या आ गया 30, लॉग केसी आ गया 30, मतलब केसी क्या है तुम्हारा 10 की पावर 30। तो तुम्हारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट तुम्हारा सामने क्वेश्चन क्या है, अब इसको मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, अभी क्या बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इस कॉम्प्लेक्स में तुम्हें बतानी है, इस कॉम्प्लेक्स में तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम बतानी है, बताना भाई। तो देखो अब मैं क्या करूं, इसे सोल्व कराऊं, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स हो गई, अमोनिया कैसा है न्यूट्रल 0, X 0, क्लोरीन की क्या हो गई -2, इक्वल टू जितना उस पे चार्ज है +1, तो X यहां से आ गया +3, तो तुम्हारा आंसर हो गया इसका D, ठीक है। तो देखो अब मैं इलेक्ट्रो से एक और क्वेश्चन तुमसे पूछ के जा रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रो में मुझे पीएच पता करनी है, पीएच पता करनी है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में उसके लिए यूज कर रहा हूं, तो पीएच और कंसेंट्रेशन में, सॉरी पीएच और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है वो तुम्हें बताना है। रिवीजन के लिए तुम्हारे साथ में एक एक क्वेश्चन में बता रहा हूं कि अगर मुझे पीएच पता करनी है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने यूज करा है, तो पीएच और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि एक्टिवेटेड चारकोल मैंने यूज करा है इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए, एक्टिवेटेड चारकोल यूज करा है इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए, तो एक्टिवेटेड चारकोल करता क्या है, कैसे इम्प्योरिटी को रिमूव करता है, तो ऑप्शन गिवन है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एडसॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। तो ब्लीचिंग वाला कंसेप्ट यहाँ पे मत लगा देना कि क्लोरीन कैसे ऑक्सीडाइज करता है, तो तुम्हें बताना है कि क्लोरीन ब्लीचिंग में यूज हो सकता है, तुम्हारा ओजोन ब्लीचिंग में यूज हो सकता है, ये कैसे ब्लीच करते हैं, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। और इसमें क्या आंसर होगा कि एक्टिवेटेड चारकोल का क्या सीन है, वो एडसॉर्प्शन शो करता है, ये सरफेस केमिस्ट्री मैंने ही पढ़ाई है, तुम्हें बताया था कि चारकोल क्या करता है, एडसॉर्प्शन का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, S8 फॉर्म विच टाइप ऑफ कोलोइड, तो बेटा कोलोइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं जिसमें पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहे, कुछ पार्टिकल तो पैदा ही ऐसे होते हैं जहां इनका साइज इस रेंज में होता है, ऐसे कोलोइड को मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड बोलते हैं, जबकि कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके इंडियंस की तरह कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के इस रेंज में पहुंचते हैं, काफी मॉलिक्यूल जुड़ेंगे छोटे छोटे से और क्या करेंगे, एक कोलोइडियल रेंज में पहुंच जाएंगे, ऐसे कोलोइड को कहा जाता है मल्टी मोलिकुलर कोलोइड।
अब S8 क्या है, जिसका इंडिविजुअल साइज तो छोटा है बट उसके काफी मॉलिक्यूल जुड़ के एक कोलोइड बनाते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हुआ तुम्हारा, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड। अब एक नेक्स्ट बच गया तुम्हारा मिसेल और एसोसिएटिव कोलोइड, वो तुम्हारे लिए रीड आउट के लिए मैंने छोड़ दिया है। कहां से रीड आउट करोगे भाई, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत बेसिक बुक एनसीईआरटी क्लास 12th की उठा लोगे तो एसोसिएटिव कोलोइड, मिसेल, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड सब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। AB2 AB3 इज अ पिरामिडल टाइप स्ट्रक्चर, देन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड नॉन पेयर। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, AB3 टाइप कोई स्ट्रक्चर है जिसमें AB3 जो है वो पिरामिडल है। कैसा है पिरामिडल? तो भाई ये यार ये तो एग्जांपल मोस्ट कॉमन है, NH3 ले लो, NH3 कैसा है पिरामिडल है। अब इसमें तुम्हारे कितने बॉन्ड है, तो कहोगे 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो आंसर क्या हो गया कि तुम्हारे बॉन्ड पेयर लोन पेयर मतलब 3 बॉन्ड एक लोन पेयर, ऑप्शन डी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर तुम्हें क्या कह सकते हैं बेसिक केमिस्ट्री की नॉलेज काफी अच्छी है तो एंट्रेंस तुम बहुत आसानी से इसको क्लियर कर जाओगे। नेक्स्ट देखना भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको बाद में करेंगे जगह चाहिएगी, डेल्टा नोड विल बी हाईएस्ट इन, कोऑर्डिनेशन से पूछा है और कहा है कि स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होगी और ऑक्टाहेड्रल का केस है। तो देखो अगर तुम्हें कुछ घुमा के देता तो मैं इसमें सोचता भी, तुम्हें बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन दिया है, डेल्टा नोट ज्यादा किसमें होगी, जिसमें तुम्हारा लीगेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीगेंट तुम्हारा इसमें कौन सा है, CN। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि CN तुम्हारा सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी तुम्हें प्रोवाइड करेगा, सबसे ज्यादा डेल्टा नोट उस केस में रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो भाई काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, मैंने ही पढ़ाई है, अब देखना समझना क्या है कि रेट क्या होता है, रेट क्या होता है, रेट कांस्टेंट और यहाँ पे कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होती है और उसकी पावर एन होती है। रेट को कैसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम इक्वल्स टू के, और ए की पावर क्या है, एन है। तो फाइनल तुम्हारा रेट कांस्टेंट का क्या बनेगा कि कंसंट्रेशन की पावर 1-n और टाइम को मैं सेकंड पे लिख दूं तो सेकंड इनवर्स। कंसंट्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, मोल की 1-n, लीटर की n-1, सेकंड इनवर्स। ये तुम्हारी यूनिट हो गई रेट कांस्टेंट की nth ऑर्डर के लिए। तुमसे पूछी किस लिए, जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू जीरो कर दो, इसे हटा दो, इसे हटा दो, ये तुम्हारा आंसर आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या हुई, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट जो होती है वो बराबर रहती है। मैंने स्पेशली बोला था जहां पे जब तुम्हें काइनेटिक्स पढ़ाई थी, तो आंसर क्या हो गया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब तुम्हारा ट्राई करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कन्फर्मर इज मोस्ट स्टेबल। भाई कन्फर्मर्स क्या होते हैं तुम्हारे, जहां पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो जाए, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो जाए और तुम्हें क्या अलग अलग वहां पे कन्फर्मर्स मिलेंगे। अब इसमें अगर मैं चेक करूं कि एंटी कन्फर्मर सबसे ज्यादा स्टेबल क्या रहेगा, एंटी कन्फर्मर किसे बोलते हैं, मैं किसको बना लूं, इसको बना लेता हूं। देखना भाई इसमें कुछ ऐसा है कि यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ है और यहाँ फ्लोरीन है। अब अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो एक कार्बन मेरा ये हो गया और दूसरा कार्बन मेरा ये हो गया, इसपे OH लगा है, इसपे OH लगा है, इसपे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसपे फ्लोरीन भी है, दूसरे वाले कार्बन पे फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब ये हो गया इसका एंटी कन्फर्मर, मतलब जिसमें जो ग्रुप है, जो हेट्रो एटम्स हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसे क्या कहेंगे, एंटी कन्फर्मर। सबसे ज्यादा ये स्टेबल किस में रहेगा, जहां पे बड़े बड़े ग्रुप दूर रहे, तो सबसे बड़े ग्रुप इसमें कौन से हैं, मेरे ब्रोमीन एटम, और ब्रोमीन एटम अगर मैं दूर रखूंगा तो उसमें कन्फर्मर मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो आंसर चेक करना भाई, आंसर चेक करना कि क्या होगा कि इसका कन्फर्मर लास्ट डी ऑप्शन का कन्फर्मर अगर मैं बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ बी आर है, यहाँ बी आर है, दूसरे कार्बन पे एच है, एच है। तो ये वाला कन्फर्मर सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, एंटी कन्फर्मर की अगर बात करूं तो ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करूं तो बॉन्डिंग से तुम मुझे बताना कि एक कंपाउंड है PF3Cl2, इसमें कितने टाइप की बॉन्ड लेंथ मुझे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं स्टीरियो से बात करूं तो एक्लिप्स कंफर्मेशन क्या है, स्टेगर्ड कंफर्मेशन क्या है, दोनों में से कौन स्टेबल है, और साइक्लोहेक्सेन अपनी चेयर फॉर्म में कौन सी कंफर्मेशन में एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट अगर कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो बताओ JTD क्या होता है, JTD किस बात पे डिपेंड करेगा,
और अगर मैं बात करूं तो कौन सी कॉन्फिगरेशन जेटीडी शो करेगी, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। काइनेटिक्स से क्वेश्चन क्या है कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, बताओ रेट कांस्टेंट क्या होगा और रेट कांस्टेंट किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, कि मतलब किसके चेंज करने से रेट कांस्टेंट चेंज हो सकता है। यहां पे अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की तुम्हें यूनिट बतानी है। नेक्स्ट क्या था तुम्हारे, किससे, एड्सॉर्प्शन से क्वेश्चन, तो एड्सॉर्प्शन से तुम्हें बताना है कि मेरे पास कौन सा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म मेरे पास लैंगमियर है, तो लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में फॉर्मूले क्या यूज हो रहे हैं, हाई प्रेशर पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, लो प्रेशर पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो ये था तुम्हारे डीयू एमएससी 2019 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट तक जब तक आए, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।